हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, माली हालत कैसा रहेगा, सब आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये भी आज आपको बताएंगे। और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, सब बताएंगे। और आज आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रगति किस क्षेत्र में होगा, पदोन्नति की क्या स्थिति रहेगी, स्थानांतरण का योग है या नहीं, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। और यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें। और आप क्या प्रश्न जानना चाहते हैं वो प्रश्न में लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन चतुर्दिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का है। आज आपको लगेगा कि चारों तरफ से संकट की स्थिति बनी हुई है, शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, तो आज आपको अनेक प्रकार के तनाव की स्थिति को झेलना पड़ सकता है। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और घर में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। तमाम तरह के दिक्कतों लेकर मन में तनाव हो सकता है, तो हेल्थ वेल्थ को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। विद्यार्थी लोग जो आज विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए आज का समय बहुत बढ़िया है। यदि आप टेक्निकल फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में या लॉ के फील्ड में अपना प्रवेश विदेश में लेना चाहते हैं, अपना पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए पढ़ाई और करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकेडमिक करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आप आयात निर्यात करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। खासतौर से जो खेल खिलाड़ी हैं, जो खेल के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, आय से अधिक व्यय होने से मन थोड़ा तनाव में आ सकता है, नए तरह की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, साझेदारी में किया गया व्यापार आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पत्नी की हेल्थ और वेल्थ को लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है, माता पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। जो आपके पुराने मित्र हैं उनके मिलने से, उनके सहयोग से आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। किसी पुरानी महिला मित्र के सहयोग से आज आपके काम हो सकते हैं और सरकारी नौकरी, उच्च पद की भी संभावना बन रही है। यदि आप किसी नए कार्य के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपका प्लानिंग सफल रहेगा, उसमें धन की स्थिति अच्छी रहेगी। दोपहर के बाद स्थितियां आपके एकदम अनुकूल है और सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बढ़िया रहेगा और माली हालत भी आपकी अच्छी रहेगी। बच्चों को प्रगति को लेकर के मन खुश रहेगा, पत्नी को सरकारी नौकरी मिल सकती है और आज आपके ढेर सारे कार्य होने की भी संभावना बन रही है। तेज गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें और अपने इंट्यूशन की बात माने। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आप कोई भी काम सोच समझ करके करें, बीच में करने के लिए न छोड़ें। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि चिड़ियों को दाना खिलावें और ओम संघ शनिश्चराय नमः, ओम संघ शनिश्चराय इस मंत्र का जप करें, सरसों के तेल का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला। हरे कृष्ण।